हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? होप करते हैं बढ़िया होंगे। वेलकम टू अनदर व्लॉग। तो आज का व्लॉग है म्यूज़िक लवर्स के लिए जो गिटार बजाते हैं। जैसे कि मेरे स्टूडेंट्स मेरे को पूछते हैं कि सर, हम गिटार तो हमारे पास है बट उसकी स्ट्रिंग टूट गई है, तो स्ट्रिंग कैसे लगाएं? तो आज ये वीडियो उनके लिए ही है। तो हम चेंज करेंगे आज गिटार की स्ट्रिंग्स। मेरी एक स्ट्रिंग टूट गई थी लास्ट शो में, तो आज मैं सोच रहा था पूरी स्ट्रिंग्स चेंज कर देते हैं और आपको भी दिखाते हैं कैसे चेंज करते हैं घर पे। और ज़रूरी नहीं कि आपको गिटार टूल्स चाहिए चेंज करने के लिए, आप कटिंग प्लायर से भी चेंज कर सकते हैं। ये देखो, कटिंग प्लायर से मैं चेंज करूँगा आज। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपने करना है सारी स्ट्रिंग्स जितनी भी हैं सबको लूज करना है। अच्छे से लूज कर लीजिए ताकि वो इजीली निकल जाए, कुछ डैमेज ना हो। अपनी गिटार की सारी स्ट्रिंग्स एकदम से लूज कर दी है, तो इसको एक एक करके निकालेंगे। तो मैंने सारी स्ट्रिंग्स निकाल ली हैं, तो अभी हम इसको ऊपर से निकालेंगे। जो इसका हेड पार्ट होता है वहां से निकालेंगे। तो हमारी स्ट्रिंग्स निकल चुकी है सारी, तो इसको थोड़ा सा क्लीन करेंगे, उसके बाद फिर नई स्ट्रिंग्स लगाएंगे। तो आप अपने गिटार को सॉफ्ट कपड़े से, किसी भी सॉफ्ट कपड़े से साफ कर सकते हो, बट ध्यान रहे कि गीला कपड़ा ना लगाएं क्योंकि वुड इंस्ट्रूमेंट है, पूरा वुड ही लगा हुआ है इसके अंदर, तो लकड़ी फूल भी सकती है, बेंड भी हो सकता है, तो इस पे गीला कपड़ा फूल के बिना लगाएं। नॉर्मल कपड़े से, साफ कपड़े से इसको साफ कर लें, सॉफ्ट कपड़े से, नॉर्मल से सॉफ्ट कपड़े से इससे साफ कर लें। तो हमारा गिटार हो चुका है एकदम क्लीन मस्त से। तो अब इसके अंदर लगाएंगे हम स्ट्रिंग्स। तो मैं लगा रहा हूँ ये वाली स्ट्रिंग्स, तो ये बहुत अच्छी साउंड करती है, ब्रॉन्ज की फुल ब्राइट टोन। इसका नंबर है EZ900। तो अगर आप चाहते हैं तो ये वाली स्ट्रिंग्स लगा सकते हैं अपने गिटार में, बहुत अच्छी साउंड करती है, बहुत ब्राइट साउंड है इसका, मजा आता बजाने में। तो चलिए लगाते हैं इसको। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा अमेज़न का, एंड ये स्पॉन्सर नहीं है, तो ये स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, मेरे को अच्छी लगती है तो मैं आपके साथ शेयर करूँ। तो स्ट्रिंग्स चेंज करने से पहले आपने क्या देखना है कि स्ट्रिंग्स में ना ऊपर यहाँ पे बहुत सारे इसमें कलर्स हैं, जैसे कि ये रेड कलर की है, ये गोल्डन कलर है, यहाँ पे ये ग्रीन है, एक ब्लैक है, और ये वाली एक सिल्वर कलर है और एक वायलेट कलर। तो आप इसमें देख सकते हैं सबसे पहले कौन सी नंबर की कौन सी स्ट्रिंग आपने सबसे पहले लगानी है।
तो यहाँ पे दिख रहा है, फोकस करो, हाँ तो यहाँ पे सब बताया हुआ है कि कौन सी स्ट्रिंग कौन से कलर की है, तो आप उसके अकॉर्डिंगली आप अपनी स्ट्रिंग्स गिटार पे लगा सकते हैं। तो सबसे पहले है गोल्डन कलर, सिक्स्थ वन, तो इसमें मेरे को गोल्डन कलर है तो इसको हम निकाल लेते हैं। तो इस गोल्डन कलर वाली हमारी सिक्स्थ स्ट्रिंग है, तो इसको हम लगाएंगे। आज की वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, वो जिन्हें सीखना है वो पूरी वीडियो देखें, जिन्हें नहीं सीखना है वो भी पूरी वीडियो देखें, मजा आए। तो सबसे पहले सिक्स स्ट्रिंग को हम डालेंगे अंदर ऊपर की तरफ और इसको ऐसे टाइट कर देंगे। तो स्ट्रिंग लगाने से पहले, टाइट करने से पहले, तो आपने देखना है कि यहाँ लग गई अच्छे से, फिट हो गया। इसके बाद यहाँ पे एक ट्यूनिंग गियर है, सेकेंड ट्यूनिंग गियर, थर्ड ट्यूनिंग गियर, इतना मेजरमेंट ले ले। मेजरमेंट लेने के बाद वापिस लाए उतना ही और उसको वहाँ पे थोड़ा सा मोड़ दें ताकि आपकी स्ट्रिंग ईजिली घूम सके। तो इसको फिर टाइट करें। तो आप देख सकते हैं कितनी क्लीन तरीके से ये स्ट्रिंग लगी है, देखिए। तो ऐसे आप बाकी की सारी स्ट्रिंग्स लगाएंगे। गाइज मैंने सारी स्ट्रिंग्स लगा दी हैं जैसे कि आप देख सकते हैं, तो इसको हम धीरे धीरे करके टाइट करेंगे। और उससे पहले आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने अच्छे से प्रेस कर लेना ताकि ये टाइट करते वक्त स्ट्रिंग्स बाहर ना आए, नहीं तो फिर और मेहनत बढ़ जाएगी। इसको पहले से टाइट कर लें, प्रेस करके एकदम से फिक्स कर लें। तो इसको ट्यून करते हैं। बजा के देखते हैं कैसा साउंड आता है।
बेहतरीन। तो ऐसे ही आप अपने घर पे बैठ के अपने गिटार की स्ट्रिंग्स वापस से लगा सकते हैं। तो होप करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो यूजफुल लगी कि नहीं लगी। एंड मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।